कंबल ले लो, कंबल ले लो बाजी, कैसा कंबल है? कितने का है भाई ये कंबल? 5,000 का। हाँ, स्टफ तो अच्छा लग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और बिल्कुल मजे में होंगे। मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। अच्छा, मैं तो मेरे साथ लगी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? अल्लाह करे आप सब खैरियत से हो। आज बन रहे हैं जी आलू वाले पराठे। किस किस ने खाने हैं? जिस जिसने खाने हैं जल्दी से आके खा लें, जल्दी से बना बना के खा लें। हाँ, बना के भी खा लें और जो लोग आ सकते हैं वो आ जाए। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम जी, आप आए। बिस्मिल्लाह, तो यहाँ रही चाय और ये रहा आलू का पराठा। पराठा रेडी हो गया, एक तो पराठा बन गया अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और अब जो है ना दूसरा तीसरा बनेगा। बच्चों को जगा दूं? हाँ जी, बच्चों को उठा दे। यहाँ पे अबिया सो रही है। अबिया उठो बेटा, उठो, शाबाश, उठो 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 उठो। करीम उठ गई भी है। एसी, फ्रिज, फ्रीजर, ओवन, चूल्हे बेच, ओवन चूल्हे वाला आ गया, ये बेचना है तुमने? चूल्हा, ओवन, ओवन भी मेरा ठीक है, चूल्हा भी मेरा ठीक है, बेचना क्यों है? बेचारा गरीब है, कहता पुराने चूल्हे बेच लो, पुराने ओवन बेच लो। मैं क्या करूंगी, क्या करूंगी, बताया तो ये बेच दूंगी। हरीम, ये देखो हरीम यहाँ पे क्या करी जा रही है। उठ जाओ, नाश्ता नहीं करना। आयदा भी उठ गई भी है, हरीम भी ऐसी हल्की सी उठ गई है। साइमा जी तो पहले से उठी पड़ी है, अभी उठने में बड़ी प्रॉब्लम करती है। उठ जा यार, उठ जा अभिया, अभिया उठो। 5 मिनट, 5 मिनट का मतलब 5 मिनट है, समझ आई है? अभिया को जगाना बड़ा मुश्किल होता है। तो माशाल्लाह बेगम साहिबा आज अल्लाह के फजल करम से पता नहीं कैसे इतना दिल निकाल लिया कि हमारे लिए पराठे बना रही है, आलू वाले। वो भी बनाए थे ना तो वो बच गए थे, मैंने कहा चलो आज इनको मैं समझा मेरे लिए हमारे लिए स्पेशल एफर्ट की है। ये तो बची हुई चीजें, खुदा का नाम है, प्लीज। अच्छा चले जी, अब बेगम साहब बनाती हैं, जब अपना सारा कंप्लीट कर लेंगे ये सारी चीजें, पराठे बन के सामने आ जाएंगे, फिर हम नाश्ता करेंगे, उसके बाद आज का व्लॉग आपके साथ शेयर करते रहेंगे। जो कुछ होगा हमारे दिन में वो सारा आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो बड़ा ही मेहरबानी यार, काइंडली बड़ी मेहरबानी, सब्सक्राइब कर दो यार। ऐसे थोड़ी करते हैं, सब्सक्राइब किए बगैर कैसे जा सकते हो आप? सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, बेल आइकन को टम 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 दबा दो। और जो है ना शेयर, वो लाजमी किया करें। शेयर लाजमी किया करो। देखो मेरे ने पराठा बनाते वक्त बोला शेयर लाजमी किया करें। पराठा बनाते वक्त बोला। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, खाने के दस्तरखान पे मिले इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। हाँ जी भैया आ गई है, क्या बात है, फाइनली आ ही गई हो ना। तो जी माशाल्लाह हमारा नाश्ता तैयार है, अल्लाह ताला का शुक्र। और बेगम साहिबा भी आ गई, सुभान अल्लाह, चाय लेकर आई हैं। ले ओ भाई, आज तो भूख से बुरा हाल हो गया। हाँ तो लेट किसने कहा था उठने? मैंने कहा था लेट उठो। मैं पहले उठ जाती है, मैं पहले उठ जाता हूँ। अभी हाँ बड़ा लेट उठती है इतवार को। सभी लेट उठते हैं, पता है क्या, ये एक ऐसा दिन होता है जिसमें जो है ना बंदा रिलैक्स होके अपने जहन को कहता है कि नहीं अब जो है ना हमने आराम से सुकून करना है। वाह रे वाह, कोई काम नहीं करना भाई, काम तो इतवार को भी होता है, खाना तो इतवार को भी खाना होता है, खवातीन कैसे आराम कर सकती हैं? सुबह पता है क्या, बच्चों को सारा वीक स्कूल भेज के ना, तो एक दिमाग को रिलैक्स और सुकून होता है कि नहीं आज नहीं बस जल्दी उठना। तुम दवाई ना खाई? हाँ, ये गंदी चीजें खाती रहती है, लेज पापड़ जूस खाती रहती हर वक्त। इसको पीकर लगवाना पड़ेगा। चले अब नाश्ता कर ले, फिर ठंडा हो। चले जब अपना नाश्ता करने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता आ गया। ये टूटे हुए कप में चाय, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी ये तो चाय है टूटे हुए कप, ये फिर मेरा ये टूटे वाला होगा। कप भी हमारे आने वाले हैं, कप मेरे सारे आने वाले हैं। ये तो ऐसे हैंड फ्री हुआ पड़ा है, यहाँ से लड़ाई हो गई, इधर लड़ाई हो गई, यहाँ पे लड़ाई हो गई है। चलो बस करो, खाना शुरू करो यार, छोड़ो। ये देखे हमारे घर में आज कौन काम कर रहा है, हमारी काम वाली आ गई। हमारी काम वाली आ गई, खाला लेट क्यों आई हो? ये हमने काम वाली रखी हुई है, बड़ा अच्छा काम करती है अल्हम्दुलिल्लाह, सारे घर की साफ सफाई का ये ख्याल करती है और मेरे घर को बड़ा अच्छा नीट एंड क्लीन रखती है। अच्छे साफ करो, नाश्ता पानी किया कि नहीं किया? नहीं है, साफ जी अभी नाश्ता पानी नहीं किया। साफ जी नाश्ता पानी नहीं किया, साफ जी करवा देना।
चलो तुम अब ये कर लो और मुझे बताना कि आज बाजार का एक दो चक्कर है, कुछ सामान लेकर आना तुम्हारे साथ। कपड़े खत्म हुए बड़े मेरे, ओए ओए ओए, ठंड आ गई है, मुझे दो चार सूट ही ले दो। ले ही ना तुम सूट तुम्हें। हाँ ना। चलो ठीक है, तुम ये काम करो। ऐसी काम वाली हूँ, आपसे फरमाइशें भी नहीं करती। काम वालियाँ जो आजकल फरमाइशें करती है, इतनी अच्छी मिली हुई है काम वाली आपको, फरमाइशें मैं कोई नहीं करती। काम, ये काम वाली छोड़ के भी नहीं जा सकती, कैसी मजे की चीज है। हाँ ये तो बात है, ये काम वाली छोड़ के भी नहीं जा सकती। तो खैर आप काम करो, तो मैं जरा कुछ बाहरी काम निपटा लूँ, बाइक वगैरह साफ कर लूँ, और फिर मुझे बताना कि बाहर सब्जी वगैरह लेने के कब जाना है, हम फिर चले जाएंगे। जी घर की साफ सफाई कर ली है मैंने, घर सारा नीट एंड क्लीन हो गया है। अभी हर इम चली गई है मिलाद पे अपनी पुप्पो के साथ, और इनको मैंने खाना गर्म करके दिया है। कल जो है ना बिरयानी थी बनी, और गुड़ वाले चावल थे, और इनको ये जैसे ही खाना खाएंगे ना, उसके बाद हमने निकलना है कंबल देने के लिए। वो पीछे आप देख रहे होंगे, पिछले दो व्लॉग में कंबल इधर ही पड़े रहे हैं, क्योंकि इनको टाइम ही नहीं मिलता खाना खा लो। कसरत वाले काम करो, कंबल उठाओ अपने सर पे। हाँ नहीं, ये कंबल ना दो व्लॉग्स में लोग भी कहते होंगे इधर ही पड़े हुए हैं कंबल, तो बस इसीलिए नहीं ना उठाए, क्योंकि ये ड्राई क्लीन होने के लिए देने हैं। तो बस अब इनका जो है ना खाना जैसे ही फिनिश होगा, उसके बाद ना हम चले जाएंगे कंबल को ड्राई क्लीन करवाने के लिए चले जाएंगे। और बस अब शाम भी हो रही है, और साथ साथ शाम के लिए खाना क्या बनाना है वो भी ले आएंगे साथ ही। आज भिंडी बना ले, भिंडी बना ले आज, भिंडी बना लो, पक्की बात है। फिर कहना ना मेरे पेट में दर्द हो गई है। इनके पेट में भी बड़ी जल्दी दर्द होती है भिंडी से। होगी तो नहीं, नहीं। चले ठीक है, अब देखते हैं बाजार जाके सब्जी वाली शॉप पर, देखती हूँ क्या क्या सब्जियां पड़ी हुई है, क्योंकि आज जो है ना सब्जी वाले भी जो है ना गली में नहीं आए, लेकिन जो हमारी गली में सब्जी वाले आते हैं ना, वो बहुत ज्यादा महंगी सब्जी देकर जाते हैं। तो फिर मेरी कोशिश यही होती है कि बंदा थोड़ा सा स्ट्रगल करके चला जाए और सब्जी ले ले। तो बस अभी जो टाइम है ना, टाइम हो रहा है शाम का, अभी शाम का टाइम हो गया। हाँ जी आ गए, आ गए हैं जी। चले जी, चले एक तो रखा हुआ पहले से ही आपने। कम्बल ले लो बाजी, अच्छा कम्बल है। कितने का है भाई ये कम्बल? 5,000 का। हाँ स्टफ तो अच्छा लग रहा है, 5,000 वाला तो नहीं लग रहा है। ये कारोबार ना शुरू कर ले वैसे, है ना, अपनी जॉब शॉप छोड़े कम्बल ही बेचना शुरू कर देते। अच्छा कारोबार है वैसे ये। हाँ चले बाइक सीधी करें, जा रहे हैं ड्राई क्लीन वाले को कम्बल देने के लिए। कम्बल ले लो, कम्बल ले लो। चलो पहले ये लेके जाऊं। ये भी ले जाओ, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। बेगम साहबा जो ना वो चले गई हैं भावताव करने के लिए, कहती कि पहले आपसे बात की थी तो आपको याद है कि नहीं याद? देखो अभी उनके साथ ना रेट लड़ाई की जा रही है, हैं बड़ी खामोशी से, फिर बंदा भी मान गया है। ये हमारे कंबल की पर्ची आ गई है। चलो जी 850 रुपया, 850 रुपया हमारा बिल बना है, और परसों मिल जाएंगे। परसों तो पहले भी नहीं है, तो फिर हम उनको कहते हैं पहले आने, तो हम फिर हमारे कंबल रख लो फिर। हाँ तो पहली के बाद लेंगे ना आके इनसे। और ये हम आए जी मोची की शॉप पे, आयदा का जूता दिया हुआ था सही करवाने के लिए, तो वो कल हम लोग भूल ही गए लेना। वो कल जो पिंक वाला जूता उतारा था ना, तो वो ना टूट गया था। देख ले ठीक भी हुआ है, देखे तो सही सारे सिलवा लिए, हाँ सिलाई की है ना। चले सही हो गया। ये मेरी मोटरसाइकिल का ना स्प्रिंग खराब हो गया यहाँ पे। तुम क्यों परेशान हो? बाइक तो अभी 2 मिनट में ठीक हो जाएगी। आयशा भी अभी आई है ना मिलाद से, उसने कुछ खाया भी नहीं हुआ, इसलिए मुझे टेंशन हो रही है, पता नहीं आपको रोना रही होगा। अभी चलते हैं बस 5 मिनट, गुस्सा तो नहीं होना। हमारी बाइक हो गई यहाँ पे खराब, तो ये साहब अभी ठीक कर रहे हैं, इसको लगा दे यार इसको। अभी वापस आ गए हम लोग, मैंने मगरिब की नमाज पढ़ी है, और उसके बाद रास्ते से हमने क्या लिया जी, हमने भिंडी ली है
जल्दी जल्दी से मैं इसको वॉश करूंगी और खाना बनाती हूँ। मुन्ना क्या कर रहा है छोटा सा, क्या खा कर आई हूँ मिलाद से? बिरयानी खाई है। वाओ, आप तो फिर खाना नहीं खाओगे आज। चलें जी, अभी टाइम हो गया 6 बजे का और हांडी जो है वो मेरे हाथ में है और मैं जाती हूँ अब इसको लेकर किचन में, वॉश करती हूँ सब्जी को और फिर खाना बनाना शुरू करती हूँ। यहाँ पे जी मैं फ्राई कर रही हूँ भिंडियाँ, और भिंडियों को फ्राई करने से ना ये होता है कि इनके अंदर जो लेस होती है ना, ये देखें अभी लेस से निकल रही है, ये ख़त्म हो जाती है और भिंडियाँ बहुत मज़े की बनती हैं। मैं हमेशा ना फ्राई करके ही बनाती हूँ। और यहाँ पे मैंने टमाटर वगैरह निकाल के रखे हुए हैं, तो फिर अच्छा सा मसाला बना के ना फिर मैं इसमें डाल दूँगी। और यहाँ पर जी ये मैंने प्याज कटिंग की है मैं इसमें डालने के लिए, और बस जैसे ही भिंडियाँ फ्राई होंगी उसके बाद मैं प्याज फ्राई कर लूँगी। अच्छा जी, मैंने प्याज भी फ्राई कर लिए, भिंडी भी फ्राई कर ली और इसका ना अच्छा सा मसाला बना के ना अब मैंने भिंडी को इसके अंदर सुट दिया है, और अब मैं ना इसका यानी कि इसको थोड़ा सा भून लूँगी और भूनने के बाद इसको हल्की आंच पे रख दूँगी। वाह वाह वाह, बड़ी ही मज़ेदार खुशबू आ रही है, बहुत मज़े की बनती हैं इस तरीके से ना। और उसके बाद गर्म गर्म रोटी बनाएंगे और हम खाएँगे अपना खाना। तो अभी हम घर वापस आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ख्याल से ये बेगम बोल चुकी होगी पहले से, मैं बाद में वापस आया, मैंने आयजा को लेकर चला गया था। और यहाँ पे बेगम साहिबा जी वो पहुँच गए, हांडी रोटी भी कर ली है। हांडी रोटी कर ली तुमने? वाह रे वाह, क्या बात है। आज का दिन हमारा बड़ा ही बिजी गुजरा और सारे के सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह के जो टास्क पे थे, जो लिखे हुए थे, वो सारे पूरे कर गए हैं। बस बाकी और भी कमरा हमारा काम नहीं कर रहा है, थोड़े से और काम रह गए हैं, वो भी साथ साथ चलते रहेंगे। ये नहीं काम खत्म करने वाले। आज के व्लॉग का एंड करते हैं यहीं पर ही। कैसा लगा आपको आज का हमारा व्लॉग? हंसते मुस्कुराते रहे, खुशियां भी खेरे, दुआएं भी खेरे, सबके लिए आसानियां पैदा करें। आप क्या कहना चाहती हो? आज ये भी कहना है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हमारे बच्चों को भी सारा कुछ जुबानी याद हो गया। चलिए जी, इतना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं बाप से नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज। हमें अपनी दुआ में याद रहेगा। अल्लाह हाफिज।